अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हियर वी आर अबाउट टू स्टार्ट दिस लेक्चर, लेसन नंबर 19 ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सब्जेक्ट मैनेजमेंट. इट इज अ मैनेजमेंट सब्जेक्ट पावर टू ग्रुप डिसीजन मेकिंग. मुझे बहुत सी रिक्वेस्ट आई कि आहिस्ता बोला करें, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आहिस्ता बोलूँ, अपनी स्पीड लो रखूँ. तो स्टार्ट करते हैं ग्रुप डिसीजन मेकिंग. इसमें आप क्या मैं पढ़ेंगे, इस चैप्टर का जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि जब आप टीम वर्क करते हैं या ग्रुप में होते हैं तो फिर डिसीजन मेकिंग किस तरह से की जाती है. ठीक है, ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस हिंज ऑन मिनिमाइजिंग प्रोसेस लॉसेस अचीविंग प्रोसेस गेन्स. कि इनका जो मेन पर्पस होता है या इफेक्टिवनेस, जब हम किसी भी चीज की देखते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि जो लॉस है वो कम से कम हो, मिनिमाइजिंग प्रोसेस लॉसेस, लॉस कम से कम हो और जो उसका आउटपुट है, जो गेन है, वो मैक्सिमम आए. अचीविंग प्रोसेस गेन्स, अलाइनिंग ग्रुप गोल्स विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड हैविंग द अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ ग्रुप कोहेसिवनेस. और एक अप्रोप्रिएट लेवल हो ग्रुप की कोहेशन का, कि ग्रुप मिलजुल कर काम करता हो, ठीक है, उसमें यूनिटी हो. अब थ्री टाइप्स ऑफ ग्रुप्स होते हैं जो कि स्पेशली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करते हैं. नंबर वन, टॉप मैनेजमेंट टीम. नंबर टू, टॉप मैनेजमेंट में सीनियर लेवल आ जाता है. सेल्फ मैनेज वर्क टीम्स, सीनियर लेवल में सॉरी सेल्फ मैनेज में कुलीग्स आ जाएंगे, आप खुद होंगे. एंड द थर्ड ग्रुप इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम्स. थर्ड ग्रुप होता है रिसर्च वर्क करने वाला, रिसर्च टीम होती है. दीज आर द थ्री ग्रुप्स इन एनी ऑर्गेनाइजेशन. और ग्रुप का मेन पर्पस क्या होता है कि वो मिलजुल कर काम करें विद यूनिटी. और उसका जो मेन टारगेट होता है वो होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव किया जाए. और इसके लिए जो बेसिक स्टेप फॉलो करना है वो मेन स्टेप क्या होता है कि मिनिमम आपकी मिनिमम रिसोर्सेज यूज हो और मैक्सिमम आउटपुट आए, ठीक है, और लॉस कम से कम हो. अब एक्चुअल ग्रुप परफॉर्मेंस क्या है, ऑफन फॉल्स शॉर्ट ऑफ पोटेंशियल परफॉर्मेंस. प्रोसेस लॉसेस, एक्चुअल ग्रुप परफॉर्मेंस में पोटेंशियल परफॉर्मेंस कम हो सकती है या लॉस होगा, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो सकता है. और ये किसकी वजह से हो सकती है, या मोटिवेशन प्रॉब्लम हो सकता है, या कोऑर्डिनेशन नहीं होगी ग्रुप में, ग्रुप के मेंबर्स मोटिवेटेड नहीं होंगे, ठीक है. देन सोशल लॉफिंग. सोशल लॉफिंग क्या चीज है, इट इज अ मोटिवेशनल प्रॉब्लम के एक बंदा जो मोटिवेटेड ना हो और जब वो ग्रुप का मेंबर हो, ठीक है, बाकी सब काम कर रहे हो जबकि वो एक मेंबर वो मोटिवेटेड नहीं है. वो ग्रुप का मेंबर तो है बट ही इज नॉट वर्किंग एट ऑल. इट इज बेसिकली अ मोटिवेशनल प्रॉब्लम दैट लीड्स प्रोसेस लॉसेस. और इसकी वजह से प्रोसेस लॉस हो सकता है. टेंडेंसी ऑफ इंडिविजुअल टू एक्सर्ट लेस एफर्ट व्हेन दे वर्क इन अ ग्रुप देन व्हेन दे वर्क अलोन. कि जब आप इस तरह से अगर ग्रुप में देखते हैं कि फलां मेंबर काम नहीं कर रहा तो फिर मैं क्यों करूं, तो इस तरह से जो ग्रुप की जो एफर्ट है वो कम हो जाती है, जो मेंबर्स हैं वो कम एफर्ट कर रहे होते हैं. सोशल लॉफिंग अकर्स फॉर टू रीजंस. इसकी दो रीजंस हो सकती हैं. नंबर वन, क्या इंडिविजुअल एंड अ ग्रुप थिंक दैट दे विल नॉट रिसीव पॉजिटिव आउटकम. के जो वो इंडिविजुअल है वो ये सोच रहा है कि उसको उसकी एफर्ट का कोई पॉजिटिव इनकम आउटपुट नहीं मिलेगा. एक तो इसकी अपनी थिंकिंग हो सकती है कि वो जितनी मर्जी एफर्ट कर रहे उसको कोई आउटपुट नहीं मिलना या उसको कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा, ये उसकी थिंकिंग हो सकती है. सेकेंड प्रॉब्लम हो सकता है, इंडिविजुअल थिंक दैट देयर ओन एफर्ट्स आर अनइम्पोर्टेंट और नॉट नीडेड. कि आप कुछ सोच रहे हो कि मेरी एफर्ट या फिर मेरा बीच में पार्टिसिपेट करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ना ही वो यूजफुल होगा, इसलिए चुप रहना बेहतर है. तो ये दो प्रॉब्लम हो सकते हैं, दो रीजंस हो सकती हैं, वजूहत हो सकती है जिनकी वजह से सोशल लॉफिंग होती है. तो आपसे टू लॉफिंग सोशल लॉफिंग की डेफिनेशन पूछ सकते हैं या फिर आप इससे इसकी रीजन पूछी जा सकती है. देन ग्रुप टास्क कैन बी कैरेक्टराइज इन टर्म्स ऑफ नेचर ऑफ इंडिपेंडेंस बिटवीन इंटरडिपेंडेंस बिटवीन ग्रुप मेंबर्स. ग्रुप मेंबर्स में कितनी इंटरडिपेंडेंस है, एक दूसरे साथ कितने डिपेंड कर रहे हैं, एक दूसरे से कितना कोलैबोरेट कर रहे हैं. थॉमसन ने थ्री टाइप्स ऑफ टास्क इंटरडिपेंडेंस बताई थी. नंबर वन, पूल. सेकेंड, सिक्वेंशियल. थर्ड वन इज रेसिप्रोकल. इसको वन बाय वन हम आगे पढ़ेंगे. ग्रुप कोहेसिवनेस क्या है, ग्रुप के मेंबर्स का आपस में ज्वाइन रहना, कोहेसिव रहना, कोऑर्डिनेट करके, कोऑपरेट करके किसी भी गोल को अचीव करना. ग्रुप कोहेसिवनेस किस किस पर डिपेंड कर सकती है, ये ग्रुप साइज पर, सिमिलैरिटी या डाइवर्सिटी ऑफ ग्रुप मेंबर्स पे, कंपटीशन विद अदर ग्रुप्स, अगर दूसरे ग्रुप के साथ कंपटीशन हो, या सक्सेस या एक्सक्लूसिवनेस ऑफ ग्रुप हेल्प टू डिटरमिन द लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन एंड कम्युनिकेशन विद इन द ग्रुप.
व्हेन ग्रुप गोल्स आर नॉट अलाइंड, जब ग्रुप गोल्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल, जब ग्रुप का जो गोल है वो अगर ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ मैच ना करता हो तो फिर ग्रुप कोहेसिवनेस का कोई फायदा नहीं है, वो डिसफंक्शनल होगी, उसका कोई आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि ग्रुप का एक्चुअल पर्पज ये होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव किया जाए, जबकि ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को वो छोड़कर अपने ही गोल्स सेट कर ले तो उसका कोई फायदा नहीं है। फोर काइंड ऑफ वर्क ग्रुप्स है दैट हैज द पोटेंशियल टू अफेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस ड्रामेटिकली। ऊपर आपने थ्री पढ़े थे, यहाँ पर फिर फोर्थ वन भी एड ऑन हो गया था। नंबर वन टॉप मैनेजमेंट टीम, नंबर टू सेल्फ मैनेज वर्क टीम, नंबर थ्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम, फोर्थ वन इज वर्चुअल टीम। वर्चुअल टीम जो ऑनलाइन वर्किंग कर रही होती है या आप ऑनलाइन किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलेबोरेट करते हैं। डिसाइडिंग वेन टू यूज अ टीम, अब टीम या ग्रुप को किस वक्त यूज करना चाहिए, इसके जब आपको बहुत ज्यादा पर्सपेक्टिव चाहिए, आपको बहुत से गोल्स अचीव करने हैं, तो फिर आप टीम बना लें। एक्सेप्टेंस ऑफ द डिसीजन इज क्रिटिकल, जब कोई डिसीजन लेना मुश्किल हो रहा है क्रिटिकल है तो फिर आप ग्रुप बनाए, क्योंकि ग्रुप में ग्रुप मेंबर्स होंगे, हर कोई अपना अपना आइडिया देगा और इस तरह से एक प्रॉब्लम जल्द सॉल्व हो सकती है और आप फाइनल डिसीजन पर जल्दी पहुंच सकते हैं, रादर देन कि आप इंडिविजुअली अकेले में कोई डिसीजन लें, वो भी टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। और थर्ड वन, अगर कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स है या अनस्ट्रक्चर्ड है, इंडिविजुअल जजमेंट्स आर अनरिलायबल, अगर जजमेंट्स आप अनरिलायबल है आपकी इंडिविजुअल जजमेंट्स के वो इतने रिलायबल नहीं है कि वो अप्लाई हो सकती है या सक्सेस की तरफ जा सकती है, तब टीम बनाना जरूर टीम आप बना सकते हैं। इंडिविजुअल्स आर अनविलिंग टू टेक नेसेसरी रिस्क, इंडिविजुअल अगर आप एक सिंगल बंदा रिस्क लेने से इनकार कर रहा हो, वो ही इज नॉट विलिंग टू टेक एनी रिस्क, तो फिर आप ग्रुप बना ले, टीम बना ले, जब टीम मिलकर काम करेगी तो फिर रिस्क के चांसेस भी कम होंगे। यू वॉन्ट टू डेवलप टीम मेंबर्स, टीम रिलेटेड स्किल्स, जब आप टीम मेंबर्स बनाना चाह रहे हो या टीम रिलेटेड स्किल्स बिल्डअप करना चाह रहे हो तब आप टीम बनाए। दीज आर द पॉइंट्स दैट हाउ व्हेन टू यूज अ टीम या व्हेन टू मेक अ टीम। देन बी कॉशियस अबाउट यूजिंग अ टीम व्हेन, जब आप टीम बना रहे हो तो फिर आपको किन की चीजों की को प्रिवेंट करना चाहिए। नंबर वन द इशूज अनइम्पोर्टेंट, जब कोई इशू अनइम्पोर्टेंट हो, कितना जरूरी नहीं है तो फिर आप टीम बना रहे हो फायदा नहीं है, टाइम वेस्टेज है। इंडिविजुअल डोंट वांट टू पार्टिसिपेट, इंडिविजुअल पार्टिसिपेट ही ना करना चाह रहे हो, आप टीम फिर भी बना रहे हैं जबरदस्ती। इंडिविजुअल रिस्क प्रेफरेंसेस आर टू हाई, अगर इंडिविजुअल के रिस्क प्रेफरेंसेस ज्यादा बहुत हाई हो तब भी आप टीम नहीं, आपने ये इस चीज का ख्याल रखना होता है। टाइम इज ऑफ द एसेंस और टाइम बहुत जरूरी है कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होनी चाहिए, इन चीजों का ख्याल रखना, टाइम का बहुत ख्याल रखना है। ग्रुप नॉर्म्स आर एक्सेप्टेबल, अगर ग्रुप नॉर्म्स एक्सेप्टेबल नहीं है तो उस केस में भी आपको ग्रुप बनाते हुए बहुत ख्याल करना पड़ता है। गाइडलाइंस फॉर डीलिंग विद प्रॉब्लम बिहेवियर, प्रॉब्लम बिहेवियर के साथ जब आपने डील करना है तो क्या गाइडलाइंस है फॉलो करने के लिए, चूज टीम मेंबर्स केयरफुली, केयरफुली चूज करने हैं, ट्रेनिंग उनको ऑफर करें, उनको क्लियर एम्पल क्लियर गोल्स प्रोवाइड करें, उनको क्लियरली उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करें, पीयर वैल्यूएशन जो कुलीग्स की वैल्यूएशन है या उनके असेसमेंट है या परफॉर्मेंस वैल्यूएशन है वो प्रॉपर की जाए, वो यूज की जाए कि जिन जो हाई परफॉर्मेंस जिनकी है आप उनको ग्रुप के मेंबर्स बनाए, रिवॉर्ड पीरियड इन परफॉर्मेंस जो उनमें से जिसकी बेस्ट हो आप उनको रिवॉर्ड दें। डोंट लेट सोशल कंसिडरेशंस ओवरवेलम कंसर्न विद द टास्क, आप सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स को जो है टास्क में मत इन्वॉल्व करें। रिमूव प्रॉब्लम टीम मेंबर्स एज अ लास्ट रिजॉर्ट, कि लास्ट आपका क्या हल क्या होना चाहिए कि प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम होगी टीम मेंबर्स की वो रिमूव की जाए। देन ग्रुप डिसीजन मेकिंग, अगर आप एक ग्रुप मिलकर एक डिसीजन लेता है, फाइनल डिसीजन कोई बना रहा हो तो कोई डिसाइड करता है, तो उसके क्या फायदे हो सकते हैं और उसके उसके क्या नुकसान हो सकते हैं। एडवांटेजेस क्या है, मोर नॉलेज होगा थ्रू पूलिंग ऑफ ग्रुप रिसोर्सेज, ग्रुप मेंबर ज्यादा से होते हैं, नंबर ऑफ माइंड एक टास्क पर काम कर रहे होते हैं तो नॉलेज नॉलेज जो है वो एक्सप्लोर हो रहा होता है। इंक्रीज एक्सेप्टेंस और एक्सेप्टेंस या कमिटमेंट ड्यू टू वॉइस इन डिसीजंस के डिसाइड जो कर रहे होते हैं वो सब ग्रुप मेंबर मिलकर एक चीज़ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग होती है ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट इन डिसीजन स्टेजेस, सबको डिसीजन का फाइनल गोल पता है या डिसीजन के बारे में ईच एंड एवरी थिंग क्लियर होती है, इसलिए सबको अंडरस्टैंड इजिली हो जाता है। देन डिसएडवांटेजेस क्या है, प्रेशर इन ग्रुप टू कंफर्म के समटाइम्स आप प्रेशराइज करते हैं किसी मेंबर को कि आप ग्रुप में ही रहें या काम करें, डोमिनेशन बाय वन फोर्सफुल मेंबर और डोमिनेंट लीग, या जिस तरह से ग्रुप में कोई एक सुपीरियर होता है, सुपीरियर इन द सेंस कि वो ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, वो डोमिनेट कर रहा होता है तो फिर अदर मेंबर्स को जेलसी होती है। दिस वॉज अनदर रीजन, अनदर वन इज दिस वॉज अनदर डिसएडवांटेज, अनदर वन इज अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड, इसके लिए टाइम रिक्वायर होता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, बिकॉज ग्रुप इज स्लोअर देन इंडिविजुअल टू मेक अ डिसीजन, ग्रुप जो है एक इंडिविजुअल के कंपेरिजन में स्लो होता है टू
कैंडिडेट सीनियर, ग्रुप प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। अगर ग्रुप की प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए क्या क्या टेक्निक चूज की जाती है। नंबर वन, कंसेंसस, द ब्रेन स्टॉर्मिंग, नॉमिनल ग्रुप टेक्निक, डेल्फी टेक्निक, कंप्यूटर एडेड डिसीजन मेकिंग। अब ये सारे हम ग्रुप की प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स पढ़ेंगे। कंसेंसस क्या होता है? इट इज द प्रेजेंटिंग ओपिनियन एंड गेनिंग एग्रीमेंट टू सपोर्ट अ डिसीजन। कि आप ग्रुप है उसमें आप ओपिनियंस प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, आप अपने आइडियाज पॉइंट ऑफ व्यूज दे रहे हैं और उस पर आप एग्रीमेंट चाह रहे हैं, ठीक है। आपने जस्ट ग्रुप को बता दिया ये मेरी आइडियाज हैं, अब आप लोग इस पर एग्री हैं, आप जस्ट उनसे एग्री ले रहे हैं, एग्रीमेंट ले रहे हैं कि वो आपके डिसीजन को सपोर्ट करें। ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्या होता है? इट्स द प्रोसेस टू जनरेट क्वांटिटी ऑफ आइडियाज। कि इसमें आप एक प्रॉब्लम रख देते हैं, ठीक है, आपने प्रॉब्लम प्रेजेंट कर दी, अब सब ग्रुप मेंबर्स उस पर सोच रहे होते हैं। इट जनरेट अ क्वांटिटी ऑफ आइडियाज और नंबर ऑफ आइडियाज आ रहे होते हैं हर ग्रुप मेंबर की तरफ के इस प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्व कर लिया जाए। देन नॉमिनल ग्रुप टेक्निक, इसमें क्या है? इट इज अ प्रोसेस टू जनरेट आइडियाज एंड इवेल्युएट सॉल्यूशन। ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्या था? सिर्फ क्वांटिटी ऑफ आइडियाज जनरेट करना। नॉमिनल ग्रुप टेक्निक में क्या है? आइडियाज जनरेट करके उनके सॉल्यूशंस भी इवेल्युएट करना, ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है। देन डेल्फी टेक्निक, इट इज अ प्रोसेस टू जनरेट आइडियाज फ्रॉम फिजिकली डिस्पर्स्ड एक्सपर्ट्स। कि इसमें आप आइडियाज जनरेट करते हैं बट वो फिजिकली डिस्पर्स्ड एक्सपर्ट्स होते हैं, कि वो फिजिकली एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं, हर किसी के हर कोई डिफरेंट फील्ड से बिलोंग कर रहा होता है, आप उनसे आइडियाज जनरेट करवाते हैं, ठीक है। एंड देन कंप्यूटर एडेड डिसीजन मेकिंग, इसमें आप कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प लेते हैं या ऑनलाइन मीटिंग वगैरह भी रख लेते हैं। तो इनकी फर्दर इसकी डिटेल वन बाय वन आगे बताई हुई है। यहाँ पर मेन आइडिया मैंने डिफरेंस आपको बता दिया है, होप सो आप इसकी डिटेल पढ़ेंगे वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। एनीवेज मैं इनको थोड़ा थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन कर देती हूँ। कंसेंसस, प्रेजेंटिंग ओपिनियन एंड गेनिंग एग्रीमेंट टू सपोर्ट अ डिसीजन। कि आपने ओपिनियंस प्रेजेंट किए, अपने ख्यालात का इजहार किया और सबसे आप उस पर एग्रीमेंट ले रहे हैं ताकि वो सब आपके फैसले को आपके फैसले पर एग्री करें। और इसमें क्या होता है? मेंबर्स मीट फेस टू फेस मीटिंग होती है, वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है, इंटरेक्शन ग्रुप ऑफन सेंसर देमसेल्फ एंड प्रेशर इंडिविजुअल मेंबर्स टुवर्ड कंफर्मिटी ऑफ ओपिनियन। देन ब्रेनस्टॉर्मिंग में नॉमिनल ग्रुप टेक्निक एंड इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग्स हैव बीन प्रपोज्ड एज वे टू रिड्यूस मेनी ऑफ द प्रॉब्लम्स। अब इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोसेस टू जनरेट क्वांटिटी ऑफ आइडियाज, ग्रुप मेंबर्स एक्टिवली जनरेट होते हैं, एक्टिवली जनरेट करते हैं डिफरेंट आइडियाज, ठीक है, प्रॉब्लम उनके सामने रख दी जाती है, उन्होंने कहा जाता है इस पर अपना इजहार राय पेश करें और वो डिफरेंट आइडियाज देते हैं टू सॉल्व दैट स्पेसिफिक प्रॉब्लम। टिपिकल ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है? हाफ डजन टू डजन पीपल सिट अराउंड अ टेबल। ये आपका एमसीक्यू बन सकता है कि एक टिपिकल ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन अगर हो तो उसमें कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं? हाफ डजन से डजन, 6 से 12 लोग। नॉमिनल ग्रुप टेक्निक, इट इज टू जनरेट एंड इवेल्युएट सॉल्यूशन। आइडियाज भी जनरेट करती है, सॉल्यूशन भी उनसे पूछना कि वो आइडियाज भी बताएंगे साथ सॉल्यूशन भी इवेल्युएट करेंगे कि कौन सा सॉल्यूशन बेस्ट है। स्ट्रक्चर्ड वोटिंग प्रोसीजर इज यूज टू प्रायोरिटाइज रिस्पॉन्सेज। अब हर कोई अपना आइडिया देगा और फिर हर किसी से पूछा जाएगा कि उसका सॉल्यूशन, जब सब सॉल्यूशन बताएंगे तो फिर वोटिंग की जाएगी कि कौन सा सॉल्यूशन बेस्ट है। डेल्फी टेक्निक फॉर ग्रुप्स हु डू नॉट मीट फेस टू फेस। इसमें फेस टू फेस मीटिंग नहीं होती बल्कि लीडर डिस्ट्रीब्यूट टॉपिक और टास्क, लीडर टॉपिक या टास्क सब मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, हर मेंबर उसका रिस्पॉन्ड करेगा, लीडर कलेक्ट कर लेता है रिस्पॉन्सेज और फिर मतलब रिटर्न फॉर्म में, ठीक है, और फिर उस पर प्रोसेस इज रिपीटेड अंटिल देयर इज रेजोल्यूशन ऑन द इशू। जब वो हर कोई अपना ओपिनियन लिखता है उसका सॉल्यूशन बताता है, यानी कि ये पेपर वर्क होता है बेसिकली, जबकि नॉमिनल ग्रुप में वर्बल वर्क होता है कि आप ओरली बात करते हैं, सॉल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं। कंप्यूटर एडेड इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग ब्लेंड्स द नॉमिनल ग्रुप टेक्निक। अब कंप्यूटर एडेड में दो टेक्निक्स इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, इट इज अ ब्लेंडेड टेक्निक। इसमें नॉमिनल ग्रुप टेक्निक के ओरली वर्बली आपने सॉल्यूशन को रखा, मीटिंग की सब ग्रुप मेंबर्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, आइडियाज शेयर करेंगे और अपना सॉल्यूशन बता रहे होंगे, इसको आप नॉमिनल ग्रुप टेक्निक को कंबाइन कर दें अगर सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के साथ, तो ये आपके कंप्यूटर एडेड असिस्टेड ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है? 50 पीपल एट अ हॉर्सशू शेप टेबल के अराउंड बैठते हैं, ठीक है, 50 लोग इन अ कंप्यूटर एडेड असिस्टेड ग्रुप में। एम्प्टी एक्सेप्ट फॉर अ सीरीज ऑफ कंप्यूटर टर्मिनल्स। और कौन सी जगह इसमें अगर बैठे हुए हैं एक हॉर्सशू टेबल के अराउंड, तो कौन सी जगह खाली होंगी जहां पर कंप्यूटर टर्मिनल्स लगे होंगे? इश्यूज आर प्रेजेंटेड टू पार्टिसिपेंट्स, दे टाइप देयर रिस्पॉन्सेज।
और इसमें जो इश्यूज हैं वो उस पार्टिसिपेंट्स को प्रेजेंट कर दिए जाते हैं और वो अपने अपने सिस्टम अपने अपने कंप्यूटर पर उसका रिस्पॉन्स टाइप करते हैं। ठीक है, इससे पहले डेल्फी टेक्निक में क्या था, फेस टू फेस नहीं ये मीटिंग करेंगे, और इससे पहले नॉमिनल में क्या था कि वो ओरली एक दूसरे कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, पेपर वर्क क्या था, सॉरी डेल्फी टेक्निक में पेपर वर्क था, कंप्यूटर एडेड में कंप्यूटर यूज किया जाता है, उस पर आप टाइप कर देते हैं सॉल्यूशन। सोशल लॉबिंग पहले डिस्कस हो चुका है, इसकी टू रीजंस ए एंड बी में बता दिए हैं जो स्टार्ट में हमने कर लिया था। एंड सोशल फैसिलिटेशन क्या चीज है, सोशल द सकर इफेक्ट, व्हाट इज द सकर इफेक्ट। ठीक है, सकर इफेक्ट क्या है, व्हेन मेंबर नॉट इंक्लाइंड टू सोशल लॉफिंग रिड्यूस एफर्ट्स बिकॉज दे रिफ्यूज टू बिकम द सकर्स और सोशल लॉफर्स। जब मेंबर्स वो सोशल लॉफिंग ना कर रहे हो बल्कि क्या करें, सकर एफर्ट बल्कि ना, मैं आपको सकर एफर्ट का मतलब बताते हैं कि कोई चीज सक हो रही हो, यूटिलाइज की जा रही हो कंटिन्यूसली, दैट इज सकर इफेक्ट। ठीक है, अब अगर मेंबर वो सोशल लॉफिंग नहीं कर रहा बल्कि वो एफर्ट्स ही कम, रिड्यूस एफर्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसके एफर्ट्स बहुत कम है, क्यों, बिकॉज दे रिफ्यूज टू बिकम द सकर ऑफ सोशल ऑफर्स, क्योंकि वो रिफ्यूज कर देते हैं, इनकार कर देते हैं कि वो सोशल ऑफर्स का सकर बने। यानी कि सोशल ऑफर हो तो, सोशल ऑफर क्या है, जो मेंबर हैं बट वो कोई काम नहीं कर रहे, दे आर द सोशल ऑफर। ठीक है, सकर इफेक्ट क्या है, जो दूसरे मेंबर्स हैं वो उस सोशल ऑफर की वजह से कि ये काम नहीं कर रहा, हम अपनी एनर्जी क्यों यूज करें फिर, तो फिर वो रिफ्यूज कर देते हैं एफर्ट करने के लिए, वो अपनी एफर्ट्स कम लगा रहे होते हैं। दिस इज द सकर इफेक्ट ऑन ऑल दोज ग्रुप मेंबर्स हु आर नॉट सोशल ऑफर्स। सोशल फैसिलिटेशन, जब सब ग्रुप मेंबर्स एक दूसरे को फैसिलिटेट करेंगे, दूसरे को हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे, दिस इज द सोशल फैसिलिटेशन। सोशल फैसिलिटेशन रेफर्स टू द फैक्ट दैट फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल प्रेजेंस ऑफ अदर्स हैज ऑन एन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, के दूसरों की फिजिकल प्रेजेंस, के दूसरे जब आमने सामने बैठते हैं, दूसरे डिस्कस करते हैं, उनकी प्रेजेंस की वजह से एक दूसरे की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे जो इफेक्ट आता है, दैट इज सोशल फैसिलिटेशन। क्योंकि जब वो प्रेजेंट होते हैं या फिर सुपरवाइजर प्रेजेंट है, सारे ग्रुप मेंबर्स प्रेजेंट है, घर बैठकर ग्रुप मेंबर नहीं कोई पार्टिसिपेशन कर रहा बल्कि वो इटसेल्फ पार्टिसिपेट करके मोटिवेटेड है और हेल्प आउट कर रहा है अपनी प्रेजेंस की वजह से, जो दूसरों को फैसिलिटेट कर रहा है, दिस इज सोशल फैसिलिटेशन। देन ऑडियंस इफेक्ट, ऑडियंस इफेक्ट है, आर द इफेक्ट ऑफ पैसिव स्पेक्टेटर्स ऑन परफॉर्मेंस, कि जो पैसिव स्पेक्टेटर्स हैं उनका परफॉर्मेंस पर जो इफेक्ट होगा, दैट इज ऑडियंस इफेक्ट। ठीक है, जो एक्टिव, एक होते हैं एक्टिव स्पेक्टेटर, एक है पैसिव, जो कि सुस्त है। ठीक है, उनका अगर परफॉर्मेंस पे जो इफेक्ट आ रहा होगा, दैट इज ऑडियंस इफेक्ट। देन को एक्शन इफेक्ट, को एक्शन को एजुकेशन से जिसका वर्ड मिलता है कि दो चीजें जब कंबाइन हो, को या फिर कॉन्करेंट होता है, जिस तरह दो लाइन्स एक साथ प्रेजेंट है, देन को दीज आर द कॉन्करेंट, दिस सेम इज द को एक्शन, के इसमें कोई दो चीजों का इफेक्ट कंबाइन हो रहा होगा। ठीक है, आर द इफेक्ट्स ऑफ अदर्स व्हेन इंडिविजुअल परफॉर्म द सेम टास्क, जब एक बंदा सेम टास्क परफॉर्म कर रहा हो तो फिर दूसरों की एफर्ट्स का जो उसकी परफॉर्मेंस पर इफेक्ट होगा, दैट इज को एक्शन इफेक्ट। क्योंकि इंडिविजुअल इटसेल्फ भी परफॉर्म कर रहा है और दूसरे भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे भी उसमें हेल्प आउट कर रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, दिस इज को एक्शन इफेक्ट। The type of effect depends on how well the task is known when others are present, and the task is well learned or performed repeatedly in the past. Performance is enhanced when others are present, and the task is difficult, novel or complex. Performance is impaired. जब दूसरे present है, जबकि task difficult है, तो फिर novel या complex performance जो होती है वो impaired हो सकती है। ठीक है, तो this was the all for today's chapter. फॉर दिस चैप्टर द लेसन 19, इंशाल्लाह आपको लेसन 20 में मिलती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा इसको डिस्ट्रीब्यूट करें मेरे लेक्चर्स को, ताकि आपके तमाम फेलोज भी इससे मुस्तफीद हो सकें। तो इंशाल्लाह आपको मिलती हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।